बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में सऊदी अरब की जेल के हाल की कंडीशन, हालात, जायज़ा, खाना पीना क्या है, रहना कैसा है, दवा इलाज कैसी है, अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अंदर लाइफ टाइम बहुत अच्छी है, बहुत बेकार है, इन सारे सवाल का जवाब देंगे। बहुत से भाई लोग हैं जिनको जेल से जाना होता है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपका इरादा साफ हो जाएगा कि आपको घर कैसे जाना चाहिए। अगर यह सऊदी अरब में हुरूब है या अकामा एक्सपायर है या एग्ज़िट है, कोई भी कंडीशन, एग्ज़िट एक्सपायर है या कोई भी कंडीशन है, तो आप जेल से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मेरे पास एक क्लाइंट थे जिनको मैंने जेल से ट्रैवल कराया था, क्योंकि उनका काम नहीं हो पा रहा, तो फिर मुझे लास्ट ऑप्शन को जेल से ट्रैवल कराना पड़ा। तो उनकी ज़बानी सुने, उनकी पूरी वीडियो सुने, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि जेल में उनके साथ क्या खाना दिया जाता है, क्या पानी दिया जाता है। बहुत अच्छी लाइफ, जिस तरह के आपने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी भी होगी, पर मेरी एक चीज़ की खूबी बोले या अच्छाई बोले, चाहे बुराई बोले, जैसा आपकी मर्जी जो बोले, एक चीज़ मेरे अंदर खूबी ये है कि मैं किसी चीज़ को भी फुल्ली एक्सप्लेन करता हूँ, यानी कोई डाउट ना रहे, लोगों के बीच में झूठ नहीं फैलाता हूँ और झूठ पे बात नहीं करता हूँ और ना ही झूठ को सपोर्ट करता हूँ। तो मेरे जो क्लाइंट थे जिनको मैंने भेजा था, मैंने उन्होंने बोला कि नहीं, आप जिस तरह बोले भाई मैं उस तरह वीडियो बनाऊँ। बोला ना, आपके साथ जो हुआ वही चीज़ बताएं कि लोगों को आगे भी, जो आगे लोग हैं उनको भी मालूम पड़ना चाहिए कि क्या कंडीशन है। ये नहीं कि लोग बेचारे जो सोचे कि नहीं बहुत अच्छी लाइफें हैं, सारी चीज़ें हैं, हमको यहाँ से जाना चाहिए, बेटर है, तो ये उनके लिए बेटर होगा, जो आगे जो ऑप्शन है आगे लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को भी जेल से जाने का इरादा हो रहा है और जेल के अंदर की ज़िंदगी कैसी होती है, आपको ये वीडियो मैं भी प्ले करूँगा, आप उनकी सारी ज़बानी उनके मुँह से सुने और उसके बाद आप खुद डिसीजन करें कि आपको जेल से घर जाना चाहिए या विदाउट जेल के, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा एग्ज़िट एक्सपायर है या एग्ज़िट जाना है या हुरूब है या आपका अकामा नहीं बना है, तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको 24 घंटे से लेके 3 दिन के अंदर अंदर एग्जिट करा देते हैं। और जेल से जाने का अगर आप इरादा बना रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखें और उसके बाद दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरी मुलाकात यूट्यूब पे मैं देख के, तो साहबू भाई को कॉल किया था, तो व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई मैसेज दिए, उसके बाद जेल से उनसे कांटेक्ट हुआ। मेरा बहुत पेपर तैयार करवाए बेचारे, मगर कोई रास्ता नहीं निकला, जेल का रास्ता निकला। मैं जेल से आया, जेल में भाई बहुत मुसीबत हुआ 10 दिन में। सबसे बड़ी मुसीबत, तबीयत जब ख़राब हो जाती है तो आदमी को दवा नहीं मिलता और आदमी चिल्लाते रहता है दवा के लिए, मगर कोई भी दवा सूटता वाला या कोई भी दवा ला के नहीं देता। जब ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ी देर के लिए लेके जाएंगे बाहर, निकाल के घुमा के फिर ला के अंदर छोड़ देते हैं, दवा नहीं देते। खाने में सुबह में दाल मिलेगी, एक रोटी, मूस वाला पानी मिलेगा। दोपहर में भी थोड़ा सा चावल, एक पानी हिन्नूस वाला। रात में फिर एक दाल मिलेगी, एक रोटी मिलेगा, एक हिन्नूस वाला पानी, बस और कुछ नहीं मिलता। और अंदर जाने के बाद भाई बहुत मुसीबत, एसी वोसी नहीं चलती अंदर, पानी तो नहाने का भूल जाओ, पानी बिल्कुल खोलता हुआ आता 24 घंटा। ना कोई अंदर डब्बा है कि पानी स्टोर कर सको, आप रख सको ठंडे होने के लिए। अंदर की बहुत बहुत ज़्यादा बहुत मुसीबत भाई अंदर में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब्बू भाई ने मेरा बहुत जल्दी काम करवा दिया। मैं मुश्किल से 8 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ गया, शुक्रिया सब्बू भाई आपका बहुत बहुत। मगर जेल से भाई बहुत सोच समझ के जाना, दिल पे पत्थर रख के जाना, क्योंकि अंदर जाने के बाद फिर कोई काम नहीं आता है, वहाँ दिमाग ऐसा ब्लर हो जाता है कि कुछ काम नहीं करता है।